ਫਾਈਨਲੀ ਓਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਓ ਯਾਰ ਅਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓ ਯਾਰ ਅਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਓ ਯਾਰ ਅਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की गेम कुछ यूँ है कि मैं आया हुआ हूँ अपनी ज़मीनों की तरफ। और जब मैंने पहला व्लॉग डाला था तो उससे दो दिन पहले मैंने वो गंदम की बिजाई की थी। अभी मैंने यार वो उसके बाद चक्कर नहीं लगा मेरा ज़मीनों की तरफ। और आज सुबह धुंध थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ठंड की वजह से मैं रज़ाई से नहीं निकल सका। और बाद में हालांकि धूप निकल गई थी, निकल गई थी। बाद में धूप निकल आई थी तो फिर घर के काम दूसरे। तो अभी असर का वक्त हो चुका है और अज़ान हो चुकी है असर की, और आया हूँ गंदम की तरफ। मैंने तो गंदम आके देख ली है और मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि क्या हालात हैं उसके। तो अल्लाह ताला ने मेरी मेहनत का जो फल है वो माशाल्लाह से निकला है। और ये है जी हालात गंदम के, वो ज़मीन सारी सब्ज़ 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 कारपेट की तरह नज़र आ रही है ना आपको जी। ये निकल चुकी है जी, और अभी इस शुरुआत है ये इसकी, और इसके बाद तकरीबन 4 से 5 माह लगेंगे इसको पकने में। और पानी वगैरह भी लगाएंगे अगर बारिश ना हुई तो ट्यूबवेल का, और वो ट्यूबवेल जो मैंने दिखाया था पहले ब्लॉग में हमारा ट्यूबवेल, उससे पानी लगाएंगे। तो पहले तो जब हमने मैंने ये काश्त की थी तो बारिश की चंद बूंदें गिर चुकी थी। और वो जो टर्बाइन वाला व्लॉग अगर मेरे भाई किसी ने नहीं देखा तो ये ऊपर मैं कार्ड लगा दूँगा, और डिस्क्रिप्शन में भी वो वाली वीडियो का मैंने जो लिंक है वो लगा दूंगा, तो वो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और जब मैंने यार काश्त की थी मैंने क्या तकरीबन उस वक्त बहुत बेहतरीन वक्त था काश्त का, ज़मीन ये गंदम का। और उसके बाद बारिश आई थी, और बारिश भी ऐसी आई थी कि यानी कि डर था कि इसको करंट ना हो जाए। करंट वो होती है जो ज़मीन है उसकी जल्द बन जाती है, ऊपर सह जल्द बन जाती है, और गंदम का जो बीज में से निकलता है पौधा वो बहुत कमज़ोर होता है और वो ज़मीन से बाहर नहीं आ सकता। तो वो बहुत ज़्यादा डर था, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ कुछ भी। और गंदम जनाब निकल चुकी है और सब लोगों की सांसों में सांसें आ चुकी हैं। और ये ज़मीन है जी, और ये ज़मीन तो अभी आया हूँ ये देखिए, तो अगर अब अभी जा रहा हूँ दूसरी ज़मीन की तरफ और उसके क्या हालात हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी ज़मीन की तरफ और वहाँ जाकर मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ आपको कि क्या हालात हैं उसके। तो चलिए और इतने दिन ना आने की वजह भी यही थी कि ये रास्ता आप देख रहे हैं ये चिकरो चिकर था, कीचड़ था बहुत ज़्यादा यहाँ।
तो फाइनली हम जी दूसरी जो गंदम है, जो दूसरा गंदम का खेत, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये तीन दिन पहले उस गंदम से काश्त की थी। तो ये तकरीबन जनाब ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, तो ये जनाब 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, ठीक है। तो इसको पानी लग चुका है, एक पानी लग चुका है इसको, और इसी तरह पानी लगता रहा तो हमारे पैसे भी बचेंगे और वक्त भी बचेगा। और अल्लाह का शुक्र है जी, वक्त आने पर हमें अल्लाह ताला बारिश नसीब करते हैं। और साथ ही ये मटरों की फसल है, और काफ़ी मटर इससे जनाब मंडी जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये मटर, ये जी ऐसी बेल होती है मटरों की, ठीक है। तो ये मटर होते हैं, तो इसको मैं तोड़ के भी दिखाता हूँ आपको। इसमें से जनाब ये अभी सही से बना नहीं था, लेकिन एक दिन ठहरता तो ये मटर बन जाना था। तो उसको ऐसे खाते भी हैं, ऐसे खाते भी इसको, यानी कि बहुत ही हेल्दी और यानी कि फ्रेश सब्ज़ी अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में मिलती है। और ये मटरों की फसल है, और साथ पेठू की फसल अभी थी, वो मैंने पहले व्लॉग में लगाई थी, उसका जो लिंक है वो भी, जो टर्बाइन का एक ही वीडियो थी उसका नीचे लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। और वो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और बाकी जनाब भी गंदम का यही हालात है, और अभी ये भैंसें, ये भाई गए हुए थे चुगाने के लिए, यानी ताज़ा दूध भी मिलता है हमें, नस्ले कौलपुर का दूध, कुछ दूध होता है भाई वो, ये माशाल्लाह से ताज़ा दूध मिलता है यार। और बशीर भाई की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? तो बड़े लेट आए हो, अच्छा वो ला रही हैं घर पर नहीं आ रही मामू ने? वैसे आपने देख ली, इससे ज़्यादा पैसे लोगों ने रखी होती हैं, ये तो थोड़ी सी जाती थी। और अभी इस ये पौधा तो माला माला है जनाब मटरों से, और ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक माइक की वायर, यानी बहुत ही अभी 2-3 दिन बाद यहाँ से लोग जो यानी कि हम लगाएंगे बंदूक, जो ये मटर वगैरह यहाँ से तोड़ेंगे और तोड़ों में डालेंगे, ये मंडी जाएगा। और बाकी भी इंशाल्लाह गंदम की, और जो वो कमाद रहा जो हमने चूपा था, जो हमने एंजॉय किया था यासर भाई के साथ, और यानी कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मटरों की फसल और गंदम की फसल आपने देख ली, और यार हमारे यहाँ जो अभी रास्ते हैं ज़मीनों के लिए वो बहुत ही कच्चे हैं अभी, यानी कि बारिश होने के बाद हम बहुत कम आते हैं, अगर बाइक स्लिप हो जाती है, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जी हमारे रस्तों के जो फसलों की तरफ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है गांव वगैरह के ये बहुत ही अच्छे रस्ते हैं, और यार ये बहुत ही पुरसकून माहौल है, और बहुत ही यानी कि नहीं बोलना, बहुत ही पुरसकून माहौल है, मतलब कि शहर की ज़िंदगी से उकताए हुए लोग ऐसे माहौल को बहुत पसंद करते हैं। और मेरे कज़न वगैरह भी आते हैं, कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो बहुत ही दिल लगता है उनका यहाँ पर, और इस इलाके को बहुत पसंद करते हैं। और हरा भरा इलाका है जनाब, ठीक है, बहुत ही हरियाली ही जनाब। लेकिन जब टर्बाइनें चलती हैं, वो पीटर वगैरह चलते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत शोर सुनने को मिलता है यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं ज़मीनों को हल चलाने के लिए, तो फिर थोड़ा बहुत शोर सुनने को मिलता है, वो भी इतना शोर नहीं लेकिन। और बाकी मैंने पेठू का जिक्र किया था पहले वीडियो में, तो वो जो पेठे मुनाफा बख्श हैं, यानी मुनाफा देते हैं, लेकिन जो पेठे हैं वो मुनाफा तो देते हैं, लेकिन वो कुछ पेठों का हाल कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो देख रहे हैं पीछे मेरे कुछ पेठों का ऐसा हाल भी होता है, यानी कि खराब पेठे होते हैं, वैसे बिखरे बिखरे पड़े, जैसे उजड़ा हुआ चमन,
ठीक है, मटरों की फसल और गंदम की फसल आपने देख ली। और यार हमारे यहाँ जो अभी रास्ते हैं ज़मीनों के लिए वो बहुत ही कच्चे हैं अभी, यानी कि बारिश होने के बाद हम बहुत कम आते हैं, अगर बाइक स्लिप हो जाती है, कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जी हमारे रास्तों के जो फसलों की तरफ है। बाकी अल्लाह का शुक्र है गाँव वगैरह के ये बहुत ही अच्छे रास्ते हैं। और यार लेकिन इतना भी शोर नहीं होता, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। और बाकी इंशाल्लाह तआला आपको वीडियोस मैं जनाब बनाता रहूँगा अपने खेतों की भी, फसलों की भी, और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस। तो भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा उन लोगों का जो जिनका कोई नहीं रखता। तो अल्लाह हाफिज़।